अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा विथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे है न्यू, तो मेरे हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज, आज का दिन भी वल से ही शुरू हो गया है मेरा, ऐसे ही मैंने उसका वाल पड़ा निकल नहीं रहा। और अभी मैं अपनी बहन से, किसी ने कमेंट में बताया था कि वेंटो जीना लगाएं और उसे ढांप लें और पिलो को भी मतलब धूप में रखें, तो अभी हम लोग वेंटो जीना लगाने लगे हैं, तो अल्लाह करे इससे फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि मुझे तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं मैं इसी तकलीफ़ में मुबतला हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा प्लीज़, मैं मिलती हूँ लगवाने के बाद। सो गाइस, फाइनली मैंने लगवा लिया है वेंटो जीना, अब अल्लाह करे फ़र्क पड़ जाए, और मेरी बहन का कहना है कि पड़ जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ना जलन सी होने लग गई या ना जाने क्यों, आई डोंट नो, शायद मैं जल्दी घबरा जाऊँ, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। कुछ अच्छा बेटर फील अप हो रहा है अब। उठो, तुम हमारा चाय पी लो, नाश्ता कर लो, तो तुम ना नाश्ता नहीं कुछ भी करना, सिर्फ चाय दे दो, बिस्किट खा लो। वो अच्छा, फिर मेरी गाल सुन। बोलो। तुम ना पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, मैं सही भी लग रही हूँ कि मैं बुरी लग रही हूँ, आई डोंट नो, बट नहीं सही लग रही हो, ठीक है ना, मुझे पकड़ा दो बाजू तुम्हारे, नहीं कोई मसला नहीं है, इसलिए तुम्हारे पट्टे ठीक नहीं हो रहे, मैं और पैड़ी लगूंगी। नहीं गाइस, पता ही क्या है, ये ना मैं आपको बताती हूँ, आराम नहीं कर रही, इस वजह से ये ठीक नहीं हो पा रही, तुम ना आराम करो, इसको एक जगह से हिलाओ ना, फिर रही है इधर उधर। कल इसने क्या किया था, बर्तन धोए थे तो मैंने इसको मना किया है ना धो, तो आवाज नहीं आती है ना, आराम करेगी ना तो सही होएगी, हिलती जुलती रहेगी। कल हम लोग सारे काम कर रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा मैं बर्तन धो दूँ। नहीं कोई गल नहीं यार, तो बीमार है चाय देना, ते ना असी कल इसमें चीनी तो नहीं डाली, नहीं बस ठीक है, दवाई लेने गए थे कल ना, तो वहाँ पे भी आपको पता है फिर चलना फिरना पड़ता है इधर उधर, लेकिन हम करीब ही जाते हैं दवाई लेने, हमारे इधर बहुत सारी करीबी दवाइयाँ हैं। डाली हुई है तुमने इसमें चीनी? हैं, क्यों डाली है, मैं तुम मना किया था ना, चीनी डाली हुई है। ओ, गरम है चाय, आराम से पीना, ज्यादा है, मैं चाय में चीनी ना डाला करो, ज्यादा चीनी है, मुझे शुगर हो गई है। चल ले पागल। इसने ना फैसला किया है कि मैं ना अपनी जिंदगी से मीठा निकालूंगी, थोड़ा वेट लूज करूं। मीठा नहीं खाना यार, आप सब लोग कहते हो वेट लूज करो, वेट लूज करो। अच्छा, मुझे खुद भी इतना फील होता है कि हाँ यार हमें करना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपनी लाइफ से जो है ना मीठा को बाय बाय कर देना, मीठे को हमेशा के लिए नहीं खाना मीठा यार, मैं भी नहीं, यार बंदा कभी 2 महीने बाद कितने एक बड़ी थोड़ा इना लाइट वेव मीठा खा ले, 2 महीने बाद अभी एक दफा हल्का। आज क्या पकाऊं खाने कुछ में? कुछ भी नहीं यार, वो कल के मसर नहीं बने हुए पड़े हुए हैं, वही खाएंगे बस, ठीक है रोटी के साथ। ठीक है, मैं फिर बर्तन धो लूँ ना कल के, और फिर थोड़ी सी सफाइयाँ वगैरह कर लेते हैं, और फिर देखो आज मौसम बड़ा प्यारा हुआ है सुबह का हमारा, बादल हुए हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं कहीं बाहर जाऊँ, किसी मॉल में फिरने टूरने, यानी क्यों मुझे ऐसी क्रेविंग्स हो रही हैं, घर बैठ बैठ के ना वो हो गया इसको। मतलब हम लोग जाते हैं ना बाहर, तो हम लोग किसी एज आ काम के लिए जाते हैं, स्पेशली हम लोग किसी आउटिंग के लिए ज़्यादातर बाहर नहीं जाते, कि हमारा दिन ही सिर्फ इसी के लिए है, हम लोग जो आ रहे हैं तो कोई काम 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 काम। चलो हम लोग, मैं तुम पहले ठीक हो ना, फिर मैं तुम्हें ले कर जाऊँगी। छप, ये कैमरा मेरी तरफ से पीछे कर दो, इसको बंद करो। चलो गाइस, किसी और एक्टिविटी में मिलते हैं। तो गाइस, हमें अचानक से लग गई भूख, तो मैंने कहा यार चाय तो लंग नहीं रही, भूख लगी हुई, नाश्ता भी नहीं कुछ किया हुआ, तो मेरी बहन ने मुझे ये दिया, मैंने तो एक घूंट फेवरेट चाय का एक घूंट भी नहीं पिया मैंने तो, और ये मेरी फेवरेट लेज है, ठीक है अगर किसी ने गिफ्ट करनी हो तो ये कर दीजिएगा, बदतमीज। गाइस ये बच्ची है, बच्चों वाली हरकतें करती है, आप माइंड मत करिएगा। बिस्मिल्लाह, खोल नहीं रहा इसको ना, अचानक ही भूख लग गई, मुझे भी खो पड़ गई। गाइस किस किस को खो पैंदी है, खो बड़ी पैड़ी होंदी है, जब पैंदी है ना आहो, तो उधर रोटी दी कदर दसती है, आहो वाकई कैसी चीज रबा, बंदा रोल देंदी है, खा लो।
तो गाइस ये देखें, 12 मैंने अभी फिर ये मलवाया है इससे, अभी इससे भी मलवाया है आंटी से भी। और अब जो है मैंने, मुझे लगी है भूख, तो मैंने सोचा कि वही रात वाले जो है, वो कल वाले जो मस्टर्ड उनको निकालते हैं और इसका खाते हैं रोटी के साथ। परांठा है अमरीना ने बनाया, ग्रीन चिली सॉस भी कह रही है, इसको भी साथ लगाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? क्या कह रही थी तुम? सॉरी मैंने तुम्हें, तुम बोल लो। नहीं मैं बस ये सलाम ही करनी थी। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसको अच्छा लगता है तो ये इसके साथ खाएगी, मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूँगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये देखो मैंने ना एक पराठा बनाया था कि हम हाफ हाफ खाएंगे। ये पूरा दिखाओ तो सही पहले। क्या हुआ ये लो? तो एक एक हाफ हाफ पराठा बस, हम डाइटिंग कर रहे हैं ना गाइस। हम लोग डाइटिंग पे हैं, डाइटिंग पे। आप लोग हम लोगों को कहते हैं अपना वेट कम करें, तो फिर हमने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स की बात मानते हुए वेट को कम करें। साइड पे डाल लू? नहीं यार माड़ा, उसमें तुमने गरम नहीं करने दिए, ठंडे अच्छे लग रहे हैं। बस फ्रिज में से मैंने कल के रखे हैं गाइस, फ्रिज में पड़े हुए थे, कह रही ऐसे ही खाने हैं। मैंने इसको कहा मैंने ठंडे खाने हैं, तुम गरम कर लो अपने लिए। मैंने कहा ओवन में रख लेते हैं, थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। ये मैंने चटनी लगाई है इसमें। मजेदार लग रहे हैं। और कमेंट आया हुआ थे बहुत ज्यादा, क्या कि अमरीना को ऐसे दवाई नहीं खानी चाहिए थी। हाँ तो वाकई इसको ऐसे दवाई नहीं खानी चाहिए थी, आइंदा हम लोग ना इस चीज का बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू बताने के लिए। ये क्या है? हरी मिर्च। तो हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए आपको हमारा खाना नजर नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी। स्टैंड नहीं, टेबल। तो आई थिंक हमें खाना खाने के बाद आपसे मिलना चाहिए। मेरी बात सुनो गाइस, हमारे पास टेबल नहीं है, कुर्सियां नहीं है, इसलिए तो हमने वो गोलगप्पा चैलेंज बाहर जाके किया था। कुर्सियां टेबल पे बैठ के हमारे पास कुर्सियां टेबल नहीं है। वैसे खाना जो है वो जमीन पे बैठ के खाना चाहिए, अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग आगे भी जिंदगी में जो है इस तरह बैठ के खा सकेंगे, हमें जमीन पे बैठ के खाना बहुत अच्छा लगता है। लादा सीएनजी रोटी खावा सारी जिंदगी, और अच्छी बात है यार, ऐसे खाना चाहिए। पुंजे बह के बड़ी औकात ना भूलो पुए। मेरे नाना बू के दौर में ना पुए कहते होते थे जमीन पे बैठने को। पंजाबी में उससे कहते हैं पुए भैया। गाइस हमारी अम्मी मरने से पहले ना हमारे साथ बड़ी लिडो खेलती होती थी। वाकई ओए होए हो, हम लोग वो ना बीमार हो गई हुई थी तो वो बोर होती होती थी, वो कहती थी आओ लिडो खेलें। हमारी अम्मी के हाथ के वो और गुटियां हमने संभाल के रखी हुई है, जिनको अम्मी पकड़ती थी। जब छे आता था ना कहती थी आया छी आछी आया छी। और मैं और अम्मी इतना खेलते थे ना, ये सोई रहती होती थी, ये सेंटर में सोती थी, तब इधर अम्मी होती थी उधर मैं। मैं भी मैं उठ के अम्मी मुझे कहती थी हमारा, मैं कहती थी कहती थी जागड़ी है, मैं क्या हाँ कहती आजा लूडो खेले, मैंने दौड़ के जाना लूडो पकड़नी और उस अम्मी के साथ लूडो खेलना, इतना मजा आता था ना क्या बताऊं यार। वाकई अम्मी ना हमारे साथ मरने से पहले बड़ा खेलती थी। ये जो हम लोग खेल खेलते हैं ना, मैला ये होती है दिलशाद, मैं और अम्मी दिलशाद शाद होती थी। अम्मी शाद थी, तुम दिलशाद थी, मैं नैला। हाँ तो ना
मरने से पहले ना वो हमारे साथ खेल खेलती होती थी। अभी ये सादी रोटी मैं हाफ लूंगी, हाफ मैंने वो खाई है ना, बस एक रोटी किस्म की हो जाएगी। रात को ना मैं भूख लग जाती है तो हमने ना एक रोटी बना के रखी होती है एक्स्ट्रा, और फिर हम हाफ हाफ रात को खा लेते हैं। रात को हम लोग को भूख लग जाती है, हम लोग रात को ना वीडियो एडिट करते हैं दोनों सर जोड़ के ना इधर लेट के। बड़ा मजा आता है, पंखे बंद करके ना लाइटें बंद करके दोनों इधर लेट जाती हैं सिर जोड़ के, फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं। गर्मी भी कभी कभी लगती है आजकल तो मौसम सही है ना। और एक पूछ रहे थे क्या लाहौर में मौसम ठंडा है जो आप लोग बिस्तर नहीं उठा रहे, तो मैं आपको बता दूं, हाँ जी यहाँ पे मौसम जरा ठंडा है, हम लोग पंखे लगा लेते हैं और ऊपर कंबल ले लेते हैं, ऐसा मौसम चल रहा है। हाँ ऐसा मौसम चल रहा है, अगर हम लोग सिर्फ पंखा लगा लेंगे ऊपर कुछ नहीं लेंगे ना तो फिर हमें गर्मी वो लगती है सर्दी, और अगर कंबल उतार दे अगर पंखा बंद कर दे तो मच्छर काटते हैं। मच्छर इतना ज्यादा हुआ है ना कि पंखा बंद कर दो तो मच्छर काटना शुरू हो जाता है, पंखा लगा लो तो सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने अभी कंबल नहीं रखे हैं। वैसे हम लोगों ने ना ऊपर से ना यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, उस वजह से मौसम ठंडा हो गया। मुझे आप लोगों से एक बड़ी जरूरी बात करनी थी, हम लोगों ने ना मसर के साथ चावल भी बनाए थे लेकिन हमें याद नहीं आ रहा हमने बड़े दिनों बाद मसर बनाए हैं। नहीं चावल मसर बनाए सी रोजियां दे विच। हाँ चावल याद नहीं आ रहा था कि तड़के वाले चावल उसके साथ बनते हैं कि वाइट चावल बनते हैं, तो आप लोग जरा कमेंट में लाजमी बताइएगा। हम लोगों ने वाइट चावल बनाए और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे इनके साथ, मुझे लगता है हम तड़के वाले बनाते होते थे तो तड़के वाले बनते हैं, कि आप लोग मुझे लाजमी ये चीज का जवाब दीजिएगा। हलवा कद्दू बना लूंगी ना कल, तो वो चावल वेस्ट नहीं होंगे, उनके साथ काम आ जाएंगे। कल हलवा कद्दू और चिकन बना लेंगे ना, बाबा को भी पसंद है। ठीक है दो दिन हो गया अभी मसर फिर भी पड़े हुए हैं इतने सारे, मैंने भी देख लिया हम तीन दिन तो ही ना मसर खा सकते, दो दिन से तो खा रहे हैं। मैंने कहा खाओ जल्दी इसको खत्म करो, तो वो खत्म ही नहीं हो रहे अभी भी, मुझे लगता है मैंने ज्यादा बना लिए थे। खाना खा के हम लोग हो गए हैं फ्री, स्पेशली मैं, मरीना भी खा ही रही है, मरीना का तो अल्लाह ही हाफिज़ है वो ज्यादा खाना खाती है। मुझसे मैंने डेढ़ रोटी खाई है, एक बाइट रह गई है, मैंने एक खाई है तुमने डेढ़ खाई है। ओहो मैंने भी एक ही खाई है, मतलब हाफ सच मुंह से निकल गया, नहीं हाफ वो वाली और हाफ घी वाली हाफ सूखी जो तुमने छोड़ी थी ना हाफ वो मैंने खा ली। सो गाइस एक अनाबिया पी का भी अभी मुझे कमेंट शो हुआ है, मैंने सोचा मैं जरूर इसका जवाब दूं, अभी कैमरे के आ गई हूँ तो जवाब दे देती हूँ। तो पीछे लोग बोल के ना मेरी वीडियो का सारा मजा किरकिरा कर देते हैं, क्या करूँ वेट करें। अनाबिया आपी का एक कमेंट पड़ा जिसमें वो बता रही है कि मेरा भी अपना घर नहीं है मालूम कान, वाकई बड़ा तंग करते हैं, हम लोगों ने भी किराएदारी देखी हुई है, वाकई कहते हैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद खाली कर दो, ऐसे कर दो, हमारा कोई अपना आ रहा है ये वो, झूठ बोलते हैं हम अपने बेटे की शादी का। हाँ और उन्होंने हमें बहुत अच्छी दुआ दी है और हम भी उनके लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें अपना घर दे, अपनी छत दे, अपनी छत होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सब के लिए यही दुआ है जिनके पास अपना घर नहीं है, अल्लाह पाक उन सब को अपनी छत दे, क्योंकि घर होना एक अपना बहुत ज़रूरी होता है, माल है, किराएदारी वाली ज़िंदगी बहुत बुरी होती है, बहुत ही अजीब किस्म की होती है वो। सही बात है, अल्लाह पाक आपको अपना घर दे अनाबिया सिस्टर, और आपकी मुश्किलात जो है आसान करे अल्लाह पाक, मुश्किलें ख़त्म करे अल्लाह पाक आपकी, और आपको खुश रखे, और हमारे देखने वाले जितने भी अगर किसी मुश्किल मुसीबत में आए तो अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान करें, आमीन। तो अब हम लोग इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं किसी अगले न्यू व्लॉग में इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।